तो दोस्तों आप लोगों का फिर से टीन टेक में स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे एक ड्रोन का अनबॉक्सिंग। तो यह है साइमा की तरफ से आने वाला X20P। इसको मैंने अमेजोन से 1350 रुपीज़ में परचेस किया हूँ। और इससे पहले मैंने इस चैनल में दो ड्रोन का अनबॉक्सिंग किया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अमेजोन का रैपर उतर चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं X20P लिखा गया है। यहाँ पे ड्रोन का एक फोटो दिया गया है और 8+ लिखा है, 8+ एज के बच्चे यहाँ पे चला सकते हैं इसको। और नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है जिसको आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। तो बॉक्स के पीछे के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्राइस लिखा गया है 2999, जिसका जो कि इसका प्राइस बिल्कुल नहीं है। और इसका प्राइस मतलब मैंने अमेजोन से तो आपको बताई दिया 1350 रुपीज़ में ख़रीदा होती है। इसका परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसका प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो आप लोग ऐसे देख के कम में अगर मिले तो उसको खरीद लेना। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद आप लोगों को मिलेगा एक रिमोट कंट्रोलर, एक छोटा सा साइमा का ड्रोन, और नीचे है मैनुअल, और इसके नीचे मिलता है आप लोगों को छोटा सा प्रोपेलर, मतलब चार छोटे छोटे प्रोपेलर मिलता है और एक चार्जिंग केबल मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रोन बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट से क्यूट है। तो ये बहुत लाइट वेट ड्रोन है। और यहाँ पे अगर ड्रोन के ऊपर व्यू के बारे में बात करें तो नीचे देख सकते हैं LED लाइट है 4, और यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट है जहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन के चार्जर से भी इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो गया, यहाँ पे रेड लाइट यहाँ पे ऑन हो गया है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। तो इसको चलो साइड में रखते हैं और रिमोट कंट्रोलर के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे रिमोट निकल गया हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वायर से इसको लगाया गया था यहाँ पे पैकेट के ऊपर। तो इस रिमोट को साइड में रखते हैं और इसके देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो पैकेट के पीछे के साइड यहाँ पे सेलोटेप से कुछ लगा हुआ है, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे एक चार्जर का केबल है और चार छोटे छोटे प्रोपेलर्स है, जो कि मैंने आप लोग पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे चलो निकालते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चार प्रोपेलर्स दिया गया छोटे छोटे, ताकि आप लोग अगर जब ड्रोन के प्रोपेलर्स को डैमेज कर दे तो अब इससे आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो USB केबल दिया गया है जिससे आप लोग ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। तो इसको भी साइड में रखते हैं। और बॉक्स का जो लास्ट चीज़ है ये बड़ा सा मैनुअल बुक, मतलब बहुत ही ज़्यादा पन्नियों से भरा हुआ मैनुअल बुक, जिसको आप लोग पढ़ के देख सकते हैं ड्रोन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ से आप लोग पढ़ के ड्रोन को सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो रिमोट में यहाँ पे हमने चार बैटरी लगा दिया है और अभी चलो ड्रोन को फ्लाई करके देखते हैं कैसा ये फ्लाई करता है। तो ड्रोन के ऊपर देख सकते हैं एक स्विच है जिसको आप लोग अगर एक बार क्लिक करेंगे तो नीचे वाला लाइट एक बार आता है, और इसको अगर 2 सेकंड तक आप लोग होल्ड करके रखेंगे तो इसका ड्रोन जो है पेयरिंग मोड में चला जाएगा। तो अभी चलो ड्रोन को हाथ में रखते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं रिमोट में भी लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब पेयर नहीं हुआ। इसको एक बार ऊपर और नीचे कर सकते हैं तो फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे रिमोट का लाइट ऑफ हो गया, लेकिन ड्रोन का नहीं हुआ, क्योंकि ड्रोन अगर कोई फ्लैट सर्फेस पर नहीं रहेगा तो इसका कैलिब्रेट नहीं होगा। तो यहाँ पर नीचे रख देते हैं ड्रोन को। तो देख सकते हैं नीचे ड्रोन को रखने के बाद ये लाइट एकदम ब्लिंक होना बंद हो गया। तो अभी देख सकते हैं ऐसे सब कुछ एकदम अच्छी तरह से कैलिब्रेट हो गया और अभी आप लोग ड्रोन को अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं।